मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं ईथर। जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के अंदर, अभी तक अपन ने दो पार्ट उसके क्लियर कर लिए हैं, अल्कोहल वाला और फिनॉल वाला। अल्कोहल क्लियर किया, फिनॉल क्लियर किया, अब स्टार्ट करते हैं ईथर। अल्कोहल जब स्टार्ट किया था उसके अंदर पढ़ा था अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर, इंट्रोडक्शन, अल्कोहल का स्ट्रक्चर, उसके केमिकल रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। उसी तरीके से अपन ने फिनोल में पढ़ा था और आज स्टार्ट करते हैं ईथर। सबसे पहले अगर कोई बोले आपको ईथर होते क्या है, देखिए ईथर एक फंक्शनल ग्रुप ही होता है जिसके अंदर एक ऑक्सीजन किसी दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। कहने का मतलब, एक ऑक्सीजन एटम अगर किसी दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो इस फंक्शनलिटी को क्या बोला जाता है, ईथर। बात को समझना है। कभी कभी इसको ऐसा भी डिनोट कर देते हैं, ये वैलेंसी फ्री रहती है, कि अगर ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा तो इसको क्या बोलते हैं, ईथर। लेकिन देखिए, ये अगर इसको अल्काइल ग्रुप से आपको बोलना ही है, अगर इसको ये बोल दिया कि एक तरफ अल्काइल से जुड़ा हुआ, एक तरफ H से जुड़ा हुआ, इट विल बिकम एल्कोहल। आया बात समझे? इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे कि हमेशा ऑक्सीजन, बाइवेलेंट ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होगा, और बाइवेलेंट ऑक्सीजन अगर दोनों तरफ एल्काइल से नहीं जुड़ के दोनों ही तरफ अगर हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, वॉटर। इसीलिए हमेशा जब ईथर बनेगा तो ईथर के सेंस में क्या बोलेंगे कि कभी भी दोनों तरफ जो वैलेंसी होंगी वो अल्काइल ग्रुप की होंगी, एंड दैट कैन बी वन साइड फ्रॉम एराइल, अनदर साइड फ्रॉम एराइल, दोनों साइड एराइल, दोनों साइड अल्काइल। लेकिन इसके अंदर अगर एक हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है और इधर अल्काइल जुड़ा है तो दैट इज नोन एज अल्कोहल, और इधर अगर वो बेंजीन से या एराइल से जुड़ा हुआ है और इधर एच से जुड़ा हुआ है, दैट इज नोन एज ए फिनॉल। यही तो पढ़ते हैं अपन। और मैंने आपको अल्कोहल के अंदर जब पढ़ाया था तो मैंने चारों चीजों को लिखा था, ईथर, अल्कोहल, फिनोल और वाटर, और सबके अंदर बॉन्ड एंगल देखा था। और मैंने उस टाइम ये भी बताया था कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होता है ईथर के अंदर, और रीजन मैंने बता दिया था। रीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट आर और यहाँ पे प्रेजेंट आर, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। जो ही रिपल्सन होगा तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और जब धक्का मारेंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, मच मोर, सबसे ज्यादा होता है, कंपेयर किया जाए तो अल्कोहल के, फिनोल के और वाटर के। और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होता है, अगर आपको चारों के बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछ ले, सबसे कम वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद फिनोल, और सबसे कम होता है, सबसे कम वाटर, अल्कोहल, उसके बाद फिनोल, और सबसे ज्यादा जो हो गया वो किसका हो गया, ईथर। ईथर का बॉन्ड एंगल अपन पढ़ते हैं 111.7 डिग्री। आर ओ आर के बीच में बना हुआ बॉन्ड कितना होता है, 111.7 डिग्री। वेयर इज वाटर का कितना होता है, 104.5 डिग्री। आया बात सुन रहे, इस तरीके से पढ़ते हैं अपन। और अल्कोहल का और फिनोल का इनके बीच में होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से अल्कोहल को बना, इसको ईथर को बनाया जाता है। ईथर को बनाने के मेथड अपन ने कुछ बीच में अल्कोहल के और फिनोल के अंदर भी आ गया था, लेकिन अपन ने उस टाइम ये नाम नहीं लिया था कि ये दिस इज द प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। उस टाइम अपन उनको अल्कोहल के सेंस में, फिनोल के सेंस में पढ़ रहे थे। आज अपन पर्टिकुलर इसी सेंस में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर द ईथर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो देखिए, ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर अगर बात की जाए, मैंने आपको एक अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ाया था, अल्कोहल को अगर डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है तो इट गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और उसमें से मैंने टेम्परेचर के अंदर बताया था कि एक अल्कोहल है जिसका 383 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाया जाए,
एक अल्कोहल है जिसका 413 केल्विन के ऊपर रिएक्शन करवाया जाए, और एक अल्कोहल है जिसका 443 to 453 केल्विन टेम्परेचर के भीतर अगर उसको हीट किया जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं। तो देखिए, जब वो जब चीज़ें पढ़ी थी, मैं सिंपल सी लिख रहा हूँ RCH2CH2OH, और मैंने तीन कंडीशन दिया था 383 केल्विन, 413 केल्विन, और यहाँ पे लिख दूँ मैं 443 to 453 केल्विन। ये है, इसको जब 413 के अंदर इसको अपन ले रहे थे एक्सिस पे, जब ये है, और ये जब ले रहे थे तब यहाँ पे अपन क्या ले रहे थे, कंसंट्रेट H2SO4 को एक्सिस में ले रहे थे, इसके ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 को किस में ले रहे थे, लिमिटेड में, कंसंट्रेटेड H2SO4। आया बात सुन, एक्सिस अमाउंट ऑफ एल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड H2SO4 एट पर्टिकुलर टेम्परेचर 413 केल्विन, इट गिव्स दैट RCH2CH2O CH2CH2R, ये देता है इथर। और इसी फंक्शनलिटी को तो इथर बोला जाता है, क्योंकि मैंने ही आपको बता दिया एक बायवेलेंट ऑक्सीजन जो दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है, या जो सेम एल्काइल ग्रुप लेकिन जुड़ा हुआ किससे होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप से, दैट इज द मस्ट कंडीशन। आया बात समझे। इसी तरीके से इसके अंदर देखेंगे, अगर 443 to 453 केल्विन टेम्परेचर के अंदर अगर हीट किया जाता है किसी अल्कोहल को, तो उसको बोला जाता है, उसको ये होता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड CH2। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मिलता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन से मिलता है, और जब कम टेम्परेचर के ऊपर, सबसे कम टेम्परेचर के ऊपर, हालांकि ये टेम्परेचर कम नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, लेकिन जब भी करवाया जाता है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो ये OH बाहर निकलता है और प्रोडक्ट बनता है RCH2CH2OSO3H। तो देखिए, उन्हीं जो अल्कोहल की रिएक्शंस में बता रहा था, एक्सिस अमाउंट ऑफ अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द 413 केल्विन टेम्परेचर विद कंसंट्रेट H2SO4, इट गिव्स दैट ईथर। उस केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं ईथर के क्या बोल सकता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये तो हुई थी प्राइमरी अल्कोहल की बात, प्राइमरी अल्कोहल को जब इस टेम्परेचर के ऊपर, पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तब ये देता है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी आएगा तो सेकेंडरी और टर्शरी कभी नहीं देगा। देखिए, इसमें इस टेम्परेचर के ऊपर भी एलिमिनेटेड प्रोडक्ट मिलता है अगर अल्कोहल का नेचर क्या हो, सेकेंडरी और टर्शरी। कहने का मतलब, ओनली और ओनली प्राइमरी अल्कोहल गिव्स दैट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज 413 केल्विन और योर अल्कोहल इज 2 डिग्री, ऑलवेज गिव्स दैट एलिमिनेशन रिएक्शन। कहने, देखिए, CH3 CHOH CH3, और अगर इसको आपको बोल दे कि कंसंट्रेट H2SO4 एक्सिस अमाउंट में है 443 to 453 केल्विन, चाहे ये एक्सिस में ले ले, लेकिन अब भी क्या होगा, ये कंसंट्रेट H2SO4 है तो भी क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो प्रोडक्ट मुझे मिलना है वो क्या मिलेगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट ही मिलेगा। आया बात समझ में। ऐसे तो अब देखिए, फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम कंसंट्रेटेड H2SO4, या मैं बोलूं अल्कोहल रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ गया फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम अल्कोहल के अंदर देखिए, अगर कोई RCH2CH2OH
और इसका 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? ईथर, आर कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये किस में लिया है? एक्सिस में आया, बात समझ? प्रोडक्ट क्या बनाएगा? आर सी एच टू सी एच टू ओ सी एच टू सी एच टू आर। ये क्या हो गया? ईथर। और इसी को अगर एक्सिस अमाउंट में 443 to 453 केल्विन अगर टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ये होता है एलिमिनेटेड प्रोडक्ट और ये होता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और ये ओनली और ओनली ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कब मिलता है? इफ एल्कोहल इज प्राइमरी और 1 degree। अगर एल्कोहल इफ एल्कोहल इज नॉट 1 degree देन ऑलवेज गिव्स दैट एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। ये उतारिए, नोट इट डाउन। तो देखिए, आपको ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्रोच करते हैं वो देखना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्राइमरी एल्कोहल को एक्सिस अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया है एट 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जब इस एल्कोहल को ट्रीट किया जाता है, इट विल रिलीज वाटर मॉलिक्यूल एंड गिव्स दैट अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एल्कोहल अटैक ऑन द वन मोर। तो कैसे हो जाएगा? अगर मैं इसको ये लिख दूं, देखिए ये एक्सिस अमाउंट यहां नहीं लिख के मैं इसको अल्कोहल के लिए लिख दूं, सब में अल्कोहल के लिए कर लीजिए, तो मैंने पढ़ा दिया आपको प्राइमरी अल्कोहल तो इस कंडीशन में क्या देते हैं? हमेशा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH CH3 CH2CH2O CH2CH2 CH CH3 CH3। आया प्रोडक्ट, ईथर ही बना। ये अपना ईथर फॉर्मेशन का इसी तरीके से अपन बनाते हैं। लेकिन मैंने आपको मना किया था कि जब भी कभी सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल दें और चाहे उसको एक्सिस अमाउंट में अल्कोहल को दे दें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, आप कभी भी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या बनाएंगे? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये क्या होगा? ये तो इस रिएक्शन का है, इसका जो हो जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। मैकेनिज्म आपको पता होगा क्या होगा, पहले कंसंट्रेट H2SO4 यहाँ प्रोटोनेशन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, जो ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा अपने से बगल में जुड़े हुए H को निकाल देगा। H को इससे भी निकाल सकता है, इससे भी कौन से को निकालेगा? इससे। क्यों? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन विल बी द मोर स्टेबल। इसके अंदर ये कैसे बना, इसका मैकेनिज्म अगर बात की जाए तो CH3CH CH3 CH2 CH2 OH। और मैंने कंसंट्रेट H2SO4 लिया, इसका मतलब इस पे क्या हुआ? प्रोटोनेशन। जो ही प्रोटोनेस होगा, मैंने एक्सिस अमाउंट में अल्कोहल लेके रखा है, CH3CH CH3 CH2 CH2 OH। तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, जो ही अटैक करेगा तो ये बाहर, और बनाएगा क्या? यही तो बना देगा। मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूं। अब ये भी क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल, ये टर्शियरी एल्कोहल था, ये सेकेंडरी एल्कोहल को जब इसी टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो भी क्या बनाएगा? एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। और एलिमिनेटेड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये देखिए,
CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस तरीके से क्वेश्चंस सोल्व करते हैं। ये हुए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। लेकिन ईथर खाली प्राइमरी अल्कोहल से ही बना सकते हैं, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। आया बात समझे? इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि सारे अल्कोहल से कभी भी आप ईथर फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ओनली प्राइमरी अल्कोहल से कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। ये हुआ सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लिखिए फ्रॉम एल्कोक्साइड्स। देखिए सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ेंगे कि एल्कोक्साइड्स फ्रॉम एल्कोक्साइड्स, या मैं बोलूं फ्रॉम एल्कोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द एल्किल हैलाइड। तो मैं लिख देता हूं फ्रॉम एल्कोक्साइड्स, और मैं लिख देता हूं एल्काइल हैलाइड्स, और हटा के इसको लिख देना, प्लस कर देना यहां पर। दोनों को जोड़ने से एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करने से क्या बनते हैं? ईथर्स बनते हैं। तो मैंने क्या किया यहां पे, इसको दोनों को रिएक्शन करवा दिया। इसका मतलब ये है, ये समझ लेना आप कैसे इसी मेथड को एक और भी नाम से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिंथेसाइज द ईथर। तो इसी को और करके भी लिखेंगे इस मेथड को, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है कि जब भी कभी कोई एल्कोक्साइड किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है एंड गिव्स दैट करस्पोंडिंग ईथर, दैट मेथड इज नोन एज ए विलियमसन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि विलियमसन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये रिसर्च किया था। आए बात सुन रहे? तो एग्जाम्पल देखते हैं, जनरलाइज वे में एक रिएक्शन लिखता हूं, RCH2CH2O- when react with the RCH2X। अब देखिए, अगर आपको जनरल केमिस्ट्री पता है अभी तक के जो नॉलेज के अकॉर्डिंग, अगर बताएंगे एल्कोक्साइड क्या होते हैं, R के ऊपर O जुड़ा हुआ हो, तो ये पूरा एल्कोक्साइड मैं बोल सकता हूं एल्कोक्साइड ओ माइनस के ऊपर एल्किल हैलाइड का रिएक्शन। एल्किल हैलाइड दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं जब हीट किया जाए। तो एल्किल हैलाइड मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके की रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। जो ही ये बाहर निकलेगा क्या बनेगा? RCH2CH2O CH2R। इसको क्या बोला जाता है? ईथर। मेरी बात को समझना, व्हेन एल्कोक्साइड ट्रीटेड विद द एल्किल हैलाइड इट गिव्स दैट करस्पोंडिंग ईथर वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वाया SN रिएक्शन, और SN के अंदर भी कौन सी बोल सकते हैं? SN2 रिएक्शन। जो ही अटैक करेगा अक्ष बाहर निकलेगा। SN1 क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि SN1 इसलिए नहीं बोल सकता, ये अगर हैलाइड निकलता, हैलाइड निकलने के बाद कोई अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको, कि SN1 के द्वारा होती है, पहले हैलाइड निकलता है, कार्बोकेटाइन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। लेकिन दिस इज लेस इंडर्ड एल्किल हैलाइड, द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द सेम टाइम व्हेन द लिविंग ग्रुप लीव दिस कार्बन चेन। आया बात समझे? ऐसे इसी तरीके से देखिए, अब मैं इसको स्पेसिफाई मैनर में लिखूं या मैं इसके कुछ एग्जांपल्स, पहले ये इसी रिएक्शन को मैं अल्कोहल से लिंक करूंगा, आपको समझ आना चाहिए। देखिए एल्कोक्साइड बनाने का मेथड आपको अल्कोहल के अंदर मैंने बताया था कि व्हेन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द मेटल इट रिलीज दैट करस्पोंडिंग सॉल्ट, या मैं बोलूं अगर आपको ये रिएक्शन पता है RCH2OH when react with the potassium release that hydrogen gas or giving some product on heating, वो product क्या है? Alkoxide, potassium alkoxide, या मैं बोलूं इसको RCH2
ओ और ये निकल गया पोटेशियम एल्कोक्साइड। आया बात समझ में? रिलीज क्या किया? हाइड्रोजन गैस। तो ये जो पोटेशियम एल्कोक्साइड है, ये पोटेशियम एल्कोक्साइड अब अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दे, सपोज किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाए, तो आप क्या बनाएंगे? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो कहने का मतलब आपको एल्कोक्साइड दे भी सकता है और आपसे एल्कोक्साइड बनवा भी सकता है। मेरी बात समझ आई? ऐसे आपको हमेशा पता होना चाहिए एक स्टेप बैक जाने का रिएक्शन। और अगर एल्किल हैलाइड का नेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री है, रिएक्शन फॉलोज SN2 SN2 और SN1 SN1 और इफ योर एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी देन रिएक्शन फॉलोज SN2। ये बात भी ध्यान रखें। तो मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने। ये होता है विलियमसन सिंथेसिस। तो पहली चीज, विलियमसन सिंथेसिस के लिए अगर आपको 2 लाइन थ्योरी की लिखनी है तो लिख सकते हैं, नोट इट डाउन, व्हेन मेटल अल्कोक्साइड ट्रीटेड विद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड गिव्स कोरोस्पोंडिंग ईथर्स। बात समझ आया कि जब भी मेटल एल्कोक्साइड को ट्रीट किया जाता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ, इट गिव्स दैट कोरोस्पोंडिंग ईथर्स। दैट रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। बात को समझना है। अब देखिए, ये अगर मैंने आपको बताया था सेकेंडरी अगर एल्किल हैलाइड होगा तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये जो रिएक्शन होता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड के साथ, ये कौन सी रिएक्शन फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है विलियमसन सिंथेसिस। अगर एल्किल हैलाइड सेकेंडरी और टर्शियरी होगा तो मैंने बताया था SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है, लेकिन SN1 को करवा दीजिए उसके ऊपर भी डोमिनेंट होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहली चीज तो लिखेंगे कि अगर इफ एल्काइल हैलाइड इज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री गिव्स eliminated product as a measure, और अगर eliminated product measure नहीं है, या मैं बोलूं कि elimination option के अंदर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो आया SN1 reaction के according क्या living group निकाल के वहां पे क्या जोड़ देंगे? Alkoxide का O और corresponding gives that corresponding ether। तो ये भी important point है अपने आप में एक Williamson synthesis के लिए। आया बात समझ? नोट इट डाउन। तो देखिए, ये कुछ रिएक्शंस दी गई हैं बेस्ड अपॉन द विलियमसन सिंथेसिस, किस तरीके से ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है। एक क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। आपको अभी तक प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए था। जिस किसी ने प्रोडक्ट नहीं निकाला, मैं किस तरीके से निकालता हूँ वो देखिए। देखिए, एल्कोक्साइड की रिएक्शन की जाती है इथाइल क्लोराइड के साथ। व्हेन एल्कोक्साइड रिएक्ट विद दिस इथाइल क्लोराइड, इट गिव्स दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी? 2 तरीके की होती है, SN1 और SN2। ये मुझे पता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, इसका मतलब ये कौन सी देगा? SN2, क्योंकि मैंने बता दिया व्हेन योर एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी इन नेचर ऑलवेज अकर द SN2 रिएक्शन। अब देखिए, ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH3CH CH3 और यहां पे क्या आ जाएगा? CH2O CH2CH3। दिस विल बी द प्रोडक्ट।
अब इसका देखिए, व्हेन एल्कोक्साइड व्हेन ट्रीट विद द सेकेंडरी एल्काइल, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के साथ मैंने क्या बताया, SN1 रिएक्शन देगा पहली चीज, और SN1 भी देगा तो माइनर देगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, एलिमिनेटेड प्रोडक्ट। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट का मतलब है ये बेस की तरह काम करेगा, व्हेनेवर इट इफ एल्काइल हैलाइड गिव्स द एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, इट मींस वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर द रिएजेंट इज गिवन दैट रिएजेंट इज प्लेइंग रोल एज ए बेस। तो ये बेस की तरह काम करता है, ये क्या करेगा, इससे प्रोटोन लेगा, जो ही प्रोटोन लिया ये क्या बना दिया, इट विल कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव चार्ज, और ये आ गया Cl, और इसके साथ रिलीज क्या कर दिया, CH3, और यहाँ आ गया CH2OH, और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ और ये बाहर निकल गए, आया ये एल्कीन और बना दिया सेम प्रोडक्ट, ये एलिमिनेटेड। और ये क्या हो गया अपना, जो साइड में निकला था बेस ने लिया था, ये क्या हो गया, बाई प्रोडक्ट। आया बात सुने किस तरीके से किया है, तो ये किसका रोल कर रहा है, ये बेस का रोल कर रहा है, ये इसमें किसका रोल कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का रोल कर रहा है। आपको पता कैसे लगेगा, एक में न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है और एक में बेस का रोल प्ले कर रहा है, ये बताता है एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड सेकेंडरी नेचर का, इट मींस वो एल्किल हैलाइड यहां से निकल के और बाद में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, यहां से H+ लेगा, ये बेस की रोल H+ लेते ही वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होके एल्कीन जनरेट करेगा। अब देखिए, दिए मैंने कुछ नहीं किया, ये रिएक्शन के अंदर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को लिंक कर दिया है ईथर के विलियमसन सिंथेसिस से, आपको लिंक करना आना चाहिए। कैसे, देखिए ये सोडियम की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, ONA, ये हो गया A, कहने का मतलब A, और ये अगर इस एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करे, प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करे, तो ये न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है 1 डिग्री, तो इसके साथ जो ही करेगा, ये कहने का मतलब क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 Br, तो ये जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा इसके ऊपर, तो मेरा बी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा इथर, इथर ही तो है, ऑक्सीजन बायोवेलेंट एटम, एक तरफ ये और एक तरफ ये, इस तरीके से। एक क्वेश्चन और दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है एरोमेटिक एल्कोहल है, क्या एरोमेटिक एल्कोहल बोल सकते हैं, यस, एरोमेटिक एल्कोहल का रिएक्शन पोटेशियम के साथ। अब मुझे ये अगर क्वेश्चन जिसने किया है उसने कर ले, ये तो एटोमेटिक हो ही जाएगा, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग CH2O-, और यहाँ क्या आ जाएगा, पोटेशियम प्लस, और जो ही आएगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये बाहर जाएगा, क्या बना देगा, बेंजीन CH2O CH3, और रिलीज क्या कर देगा, KBr। आया बात समझे, इसके अंदर कहने का मतलब ये स्टेप क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, और ये स्टेप क्या है, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में इस रिएक्शन को कहां पढ़ा था, रिएक्शंस विच हैव द OH बॉन्ड क्लीवेज, तीन तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी एल्कोहल के अंदर, OH बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, और बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड क्लीवेज। आया बात समझे, तो ये स्टेप कौन सा है, विलियमसन सिंथेसिस, ईथर का फॉर्मेशन कर रहे हैं।